दोस्तों मार्केट में आज के दिन में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है ओके और यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी फिफ्टी में भी गिरावट हुई है और बहुत सारे कुछ आ, कुछ इंडेक्सेस है जिसमें अगर मैं बात करूं तो कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दिए जहां पर वो चेंजेस दिखा रहे हैं कि मार्केट उस पर्टिकुलर सेक्टर के जितने भी इंडेक्स के शेयर है मोस्ट प्रोबली गिरते हुए नजर आएंगे और आज के दिन में वहां पर गिरावट भी थी तो वो सब चीज हम यहाँ पर जानेंगे मार्केट का व्यू जानेंगे जैसे कि हम यहाँ पर डेली वीडियोस बनाते हैं मार्केट्स के व्यू से रिलेटेड तो सबसे पहला वीडियो मार्केट के व्यू से रिलेटेड होगा और जैसे कि हम रोज तीन दो तीन वीडियो बनाते हैं तो अगले और भी भी शेयर से रिलेटेड पर तो यहाँ पर वीडियोस आएंगे तो लास्ट तक देखिएगा और दूसरे दूसरे भी वीडियोज यहाँ पर जब हमारे आए तो यहाँ पर देखने की कोशिश करिएगा ताकि इस तरीके के वीडियो आपको डेली बेसिस मिले और आप यहाँ पर सीख सके कि मार्केट में एग्जैक्टली चल गया रहा है और कुछ शेयर में एक शेयर में मैंने यहाँ पर एंट्री ली है और कुछ अच्छे शेयर में आपको बताऊंगा आ, अगले वीडियो में तो वो भी आप देखिएगा तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते है, जानते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को हिट और की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम इस तरीके की वीडियो डालें तो याद रखिए आपको यहाँ पर नॉलेज मिल सके आप सीख सके और जब सीख के पैसा कमाएंगे तो याद रखिए कुछ टाइम जरूर आपको सीखने में लगेगा एक साल दो साल तीन साल चार साल पाँच साल बट उसके बाद जब आप यहाँ पर मार्क कहते हैं ना एक प्रो होना तो जब प्रो हो जाओगे तो अच्छा पैसा मार्केट से कमाते हुए नजर आएंगे तो आइए वीडियो की तरफ आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कल मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर एक डोजी टाइप में बन रही है और इस डोजी में मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि इस लेवल को अगर ये तोड़ दे अपने या तो हाई को तोड़े तब तेजी या फिर इसके लो को तोड़े तब तेजी तो इसने अपने लो को तोड़ा लो को तोड़ा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे तक शेयर आया और शेयर आके यहाँ पर कहा बंद हुआ ये एक सपोर्ट पे बंद हुआ ना तो नीचे बंद हुआ ना ऊपर बंद हुआ तो एक सपोर्ट है कल के दिन में ओके okay, अगर मार्केट में आ, इसे तेजी होने के लिए इसी का जो आज का लेवल है हाई है उसे निकालना बहुत जरूरी है इसे निकाल देता है तो इस रेंज में ही बना रहेगा बट अगर गिर जाता है तो याद रखिए थोड़ी सी गिरावट होने के बाद इस रेंज में आ, आ, आने की कोशिश करेगा तो मार्केट में दो तरीके का यहाँ पर व्यू रह सकता है तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा या तो गिरावट भी हो सकती है या फिर यहाँ पर तेजी भी हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस

तो आ, इसमें भी क्या बनाया आज के दिन में आज के दिन में यहाँ पर बनाया गया है डोजी ओके इसने भी अपने सपोर्ट को गिरा था बट ऊपर आज बंद कहां पर हुआ हुआ है है ऊपर की तरफ बंद हुआ है. तो ना ज्यादा इसमें तेजी है ना ज्यादा इसमें क्या है मंदी है तो इस चीज को देखे और यहाँ पर अगर देखे तो देखिए कल मैंने आपको बताया था हैमर जरूर बन रहा है बट हैमर बीच में बनता है ना तो उस हैमर का कोई मतलब रहता नहीं है हैमर या तो ऊपर की तरफ बने ओके okay, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर गिरावट हो जाएगी या हैमर नीचे की तरफ बने जैसे यहाँ पर बना यहाँ पर बना ओके अच्छी गिरावट के बाद एक सपोर्ट पे बना तो यहाँ पर होता है कि यहाँ पर एक तेजी होगा तो बट बीच में यहाँ पर बने तो उसमें एक कंफ्यूजन ही रहता है उस केसेस में यहाँ पर इस हैमर का को कोई यूज नहीं होता उसे यहाँ पर माना भी नहीं जाता तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आज के दिन में इसने एक डोजी बनाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं डोजी इस डोजी का क्या मतलब है मैं जैसे कि मैंने अभी बताया था अगर इसने आज का हाई, का हाई हाई मतलब डोजी निकाला तो तेजी कटने की कोशिश करेंगे ओके okay? और अगर यहाँ पर नीचे की तरफ आता है तो के यहां पर संकेत होंगे तो कल मार्केट में क्या होगा वो यहाँ पर एक बार देख 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 लेंगे फिर उसके हिसाब से यहाँ पर पता चलेगी तो आज यूएस मार्केट एक बार देखेंगे तो अभी मोस्ट तो प्रोबेबली इस रेंज में घूम रहा है जैसे कि यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी दूसरे बॉक्स में चल रहा था ये इसी बॉक्स में चल रहा है असली तेजी के लिए इस लेवल को निकालना और इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है निफ्टी स्मॉल कैप में तभी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी इसे थोड़ा सा माइंड में रखिएगा इसके अलावा यहाँ पर ये यह लेवल्स भी यहाँ पर देखेंगे तो आज के आज के दिन में यहाँ पर किस तरीके से गिरावट हुई गिरावट के बाद यहाँ पर अच्छे खास तरीके से ऊपर भागा भी है ओके और यहाँ पर अगर आप देखें तो अगेन वही कहूंगा कि अगर इसे तेजी के लिए इस लेवल को इंटैक्ट है ये इस लेवल को निकालता है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आएगी अदरवाइज ये इसी बॉक्स में बना हुआ है ये एक आइलैंड टाइप में यहाँ पर बना रहा है ओके okay, चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पर नीचे तक आए ओके okay, और नीचे आने के बाद शायद ये दोबारा भागता हुआ तब नजर आए तो निफ्टी मिड कैप में मेरी यही राय है ओके okay, अभी एक कंसोलिडेशन मोड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है निफ्टी फिफ्टी रेंज को यहाँ पर क्रॉस कर चुका है बट ये स्मॉल कैप और मिड कैप एक रेंज में अभी फंसे हुए रेंज से बाहर निकलेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly यहां पर तेजी होगी या मंदी होगी बट बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पर आ, अच्छी खासी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं तो आ, मैंने आज एक शेयर में बाइंग की है कल मैंने एक शेयर में बाइंग कर रही थी तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप देखेंगे आ, मैंने परसों की डेट में डाला था कि आई विल दैट स्टॉक टुमारो टुमारो थास्टरडे जो मैंने यहाँ पर बाइंग किया है तो अगर हम यहाँ पर बात करें आज के दिन में एक शेयर में बाइंग करिए क्यों करिए आपको उससे रिलेटेड भी बात करेंगे तो ये हो गया निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप ये प्रिडिक्शन और इसके अलावा हम अगर बात करें तो हम बात कर लेते हैं एक एक करके आई की आईटी में देखिए यहां पर एक गिरावट हुई ओके okay, यहाँ पर एक जो सिग्नल यहाँ पर दिखाई दिया था एक अच्छा खासा तो इसका मतलब है सिंपल कि यहाँ पर एक गिरावट होती हुई दिखाई देगी ये इस रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा बट अपने सपोर्ट को इसने होल्ड किया है okay, ओके और ये दूसरे जैसे निफ्टी फिफ्टी ऊपर की तरफ एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में गया था ये भी दूसरे बॉक्स में जा चुका है ओके okay, ये इस बॉक्स से जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तो तक यहाँ पर तेजी के बारे में मत सोचिए ओके और कुछ मार्केट में तेजी होगी तो ऑब्वियसली बात है ये फिर भागेगा और भाग के ये लेवल, इसके लिए आ, लेवल एक का। इसे निकाला तो, तो मेटल तो में आप देख ही सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गिरावट हुई थी मैंने आपको लास्ट टाइम भी यहाँ पर जब ये इस तरीके की कैंडल बनी थी तो मैंने आपको बताया था गिरावट होगी गिरावट हुई इसके बाद यहाँ पर तेजी भी हुई हैमर बना बट यहाँ पर अभी आ, मैंने अभी दोबारा बता रखा है अगर इसमें तेजी होती भी है तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए क्योंकि कोशिश

हुआ नजर आया है और इसने इस रेंज में यहाँ पर अब ट्रेड करना शुरू कर दिया है इस रेंज में जब तक है, जरूरी है। और इस लेवल को जो यहाँ पर तीन सौ से नीचे आता है ओके तो एक अच्छी खासी गिरावट होती हुई नजर आ सकती है बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ पर एक तेजी होती तो इसने आज के दिन में देखिए ऊपर तो गया ये डोजी बनाई थी डोजी के पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसने एक डोजी बनाई थी कल कल उस डोजी से आज ऊपर तो गया बट यहाँ पर, बंद हुआ, उसी पर बंद हुआ हुआ उसी लेवल बंद है तो इसे तेजी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ सकती है बट निफ्टी ऑटो ऑटो अच्छा आ, कुछ अच्छा सेक्टर कुछ दिखा रहा है ओके तो अब बहुत अच्छी अच्छी न्यूज भी आ रही है तो शायद अच्छा खासा परिणाम यहाँ पर मिल सकता है क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर हायर लोज बनते हुए नजर आ रहे थे एक हाई बनाया फिर दूसरा हाई यहाँ बनाया फिर दूसरा हाई यहाँ बनाया फिर यहाँ बनाया ओके और लो भी नीचे बन रहे थे बट

निफ्टी फार्मा निफ्टी फार्मा यहाँ पर अपने जैसे कि मैंने दो तीन दिन पहले वीडियोस बनाई थी और आपको बताया था इसने इस लेवल को यहाँ पर निकाल दिया है यहाँ पर आप देखेंगे इसने ब्रेक डाउन दिया ओके और ब्रेक डाउन नीचे की तरफ बट ऊपर की तरफ ये आ गया है तो यहाँ पर क्या बन रहा है इसमें एक हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे एक अच्छी खासी गिरावट के बाद हैमर बन रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ऊपर जाए ओके और अच्छा खासे तरीके से इसे अगर असली तेजी करनी है ओके okay, और आ, निफ्टी फार्मा को भागना है जो मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था तीन से छह महीने के अंदर अंदर फार्मा के स्टॉक अच्छे खास यहाँ परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे छह से नौ महीने लगा लीजिए थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चल जाता है तो यहाँ पर फार्मा के स्टॉक तेजी कर सकते हैं बट यहां पर हायर लोस बन रहे थे ओके अगेन इसने लो बनाया तो शायद ऊपर ले जाके फिर गिरावट होती हुई नजर आए बट इसे तेजी करने के लिए अगर इस लेवल को यहाँ पर निकाला तो अच्छी खासे तेरह नौ चौदह हजार के आसपास ये जाता हुआ नजर आएगा तो इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है बट इसके अगेंस्ट में अगर इसने इस लेवल को तोड़ा याद रखिए इस लेवल को तोड़ा 12, 189, 12, के, अगर ये नीचे जाता है तो याद रखिए गिरावट होती हुई नजर आएगी जो शायद इसे ग्यारह हजार दो मतलब एक हजार पॉइंट की और यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ सकती है तो ये कुछ लेवल है जो मैं आपको बता रहा हूँ तो फार्मा में थोड़ा सा कोशिश रहिएगा बट फार्मा एक अच्छा बन गया है और इसके जब अगली बार के रिजल्ट एक से दो क्वार्टर के बाद जो रिजल्ट आएंगे ना बहुत बेहतरीन आएंगे इन, इन्फुलेशन खत्म होता हुआ नजर आएगा और ये फार्मा दोबारा से यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा जो कि मैं आपको एस्ट्राजेनिका का हुआ था जब मैंने एस्ट्राजेनिका से रिलेटेड वीडियो बनाया था तब मैंने आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड बताया भी था एस्ट्राजेनिका के रिलेटेड वीडियो दो तीन दिन पहले ही यहाँ पर आपके लिए पेश किया गया था इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और सेक्टर की अगर आप बात करना चाहते हैं एफ की तो एफ एम यहाँ पर देख सकते हैं ओके एफ ने यहाँ पर आप देखिए तेजी के लिए मैंने यहाँ पर इसने ये कैंडल बनाई थी शूटिंग स्टार तो गिरावट होती हुई नजर आई थी और इसे तेजी के लिए इस रेंज में ये फंसा हुआ है इस रेंज से बाहर निकलता है और इस रेंज से मतलब उनतालीस दो सौ पैंतालीस उनतालीस दो सौ पैंतालीस को ये क्रॉस कर देता है तो एक तेजी होती हुई नजर आएगी जो इसे ऊपर की तरफ ले जाएगी और जो टारगेट मैंने आपको बताया था वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा तो इसकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा बट इसके अगेंस्ट में अगर ये सपोर्ट है इस सपोर्ट को इसने तोड़ा तो एक गिरावट होती हुई नजर आएगी जो इसे दोबारा पैंतीस तक लेके जा सकती है तो निफ्टी एफ एम ये है तो इन रेंज की तरफ ध्यान दीजिएगा इसी के हिसाब से स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा निफ्टी एनर्जी निफ्टी एनर्जी दे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बार बार कि निफ्टी एनर्जी में ऑलरेडी बहुत तेजी हुई है ओके मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि इसे यहाँ पर या तो छब्बीस हजार आठ सौ इक्यासी के पास लाके गिरा देंगे या फिर इस लेवल पे आसपास आते 28,000 हजार के आसपास आके यहाँ पर ऊपर या थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे आके यहाँ पर गिराते हुए नजर आएंगे और ऊपर फंसाने की कोशिश की जाएगी थोड़ा सा संभल के काम करिएगा निफ्टी एनर्जी में ओके वरना आप ऊपर के लेवल पे फंसते हुए नजर आएंगे और फिर उसके बाद एक डेढ़ साल यहाँ समझिएगा कि आपके पैसे ट्रैप हो गए निफ्टी निफ्टी रियलिटी, रियलिटी लगातार देखिए हायर जो मैं आपको बता रहा था वो बनते हुए नजर आ रहे हैं देखिए एक हायर लोज ये बना फिर इसके बाद एक हायर लोज ये बना ओके फिर इसके बाद एक हायर लोज ये बना ये लगातार हायर लोज बनाता हुआ नजर आ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर समझना है बट कुछ टाइम बाद यहाँ पर शायद और अच्छे रिटर्न आएंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो नजर आता है जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है ये वाला और ये वाला तब तक ठीक है बट इन सपोर्टों को इसने तोड़ा निफ्टी रियलिटी ने तो एक गिरावट होती हुई नजर आएगी जो इसे सीधे के सीधे सबसे पहले तो यहाँ पर तीन सौ चालीस और उसके बाद शायद इस इंडेक्स को 300 के लेवल तक यहाँ पर ला सकती है तो थोड़ी बहुत गिरावट इसमें हो सकती है बट उसके बाद जब चीजें चलनी शुरू होंगी तो अब धीरे धीरे यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर आपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर सकती है तो थोड़ा टाइम भी हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग सकता है किसी सेक्टर में किसी सेक्टर में थोड़ा टाइम ज्यादा कम लग सकता है तो वो डिपेंड करता है ओके okay, कि किस तरीके से वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक ने देखिए लोअर लोज यहाँ बनाया हायर लोज बना रहा है यहाँ पर देखिए ये ये लो था इसने फिर इसके बाद ये लो बनाया इसके बाद अब ये लो बनाया है और मोस्ट प्रोबेबली अब ये आसपास यहीं पर ही कहीं लो बना के ओके okay, फिर भागते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर आग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लोअर लोअस बनाते लोअर हाइज बनाते हुए नजर आ रहे हैं तो यहीं पर ही कहीं ये चीजें खत्म होंगी और अब यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी बैंक के रिजल्ट ऑलरेडी अच्छे आ रहे हैं सब चीज अच्छी आ रही है ईपीएस में सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर ये यह शेयर अच्छा खासा परफॉर्म अप करते के आपको दिखा सकते हैं तो बैंक की तरफ भी आपको ध्यान देना है और इसे असली तेजी के लिए इन पर्टिकुलर लेवल्स को ओके इन जो लाइन्स में आपको अभी खींचा है इन लाइन्स को क्रॉस करना बहुत जरूरी है ये क्रॉस कर दिया तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर

तो उसके लिए पेशेंस रखिएगा बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब सब आपको करना है सो थैंक यू सो मच कॉल प्लस